नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम जैन विपुल है। मैं आज आपको बताऊंगा आप कार चलाते हो तो ये बातें आपको रखनी चाहिए ध्यान में, ताकि आपको कार चलाने में ये बहुत ही मदद रूप होगी। इससे आप कार आसानी से चला पाएंगे और सीख पाएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हम आपको ऐसी कुछ टिप के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। आप जिस कार को चला रहे उस कार की माहिती आपको पूरी होनी चाहिए। वो उसमें कितने सीसी का इंजन है, उसमें क्या क्या है, कितने गियर की एक कार है, वो सब कुछ आपको स्टीयरिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके क्लच के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके ब्रेक गियर और हैंड ब्रेक सब के बारे में आपको उसके पे सबसे पहले आप चला रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले सब जांच कर ले, बाद में ही उसको चलाए, ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो चलाते समय। ये थी हमारी पहली टिप। सीट को एडजस्ट कर ले। सीट एडजस्ट करेंगे तो आपको आपका पैर और स्टीयरिंग में अपने हाथ कैसे सेट करने हैं उसको उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले सीट को भी सेट करना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, आपका पैर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सब जगह सही पर पहुंच जाए। इसलिए सीट को एडजस्ट करना भी मत भूलिएगा। ड्राइव करते समय हमेशा आपका ध्यान ड्राइविंग पर ही होना चाहिए और नज़र सामने सड़क पर होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, इसलिए सड़क पर ही नज़र रखे, सामने इसे नज़र रखनी चाहिए हमेशा, और कहीं भी देखना नहीं चाहिए। जो भी हो सड़क पर ही नज़र रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे सीट पर बैठने से पहले आपके जो दाएं बाएं दोनों तरफ अरीसे जो मिरर होते हैं उसको आपको सेट करना चाहिए, ताकि आप पीछे आ रहे व्हीकल को भी देख सकते हैं अच्छी तरह से और आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जब भी सीट पर बैठे तो ये भी ख्याल रखें कि मिरर को भी सेट कर लेना चाहिए, ताकि आपको आगे कोई तकलीफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। आपको जब भी आप कार चलाते हो, आपके आगे कोई भी कार है तो आप उससे दूरी बनाए रखना चाहिए, कि नहीं कि उसके नज़दीक चलना चाहिए। कोई ऐसा होता है उसके बहुत ही करीब चलाता है और बाद में परेशानी हो जाती है। आपके जितना गैप होगा आपके बीच में, तो आपको उसमें रोकने में आसानी होगी। आपने देखा होगा आगे वाला ब्रेक दबाता है तो आप जल्दी में ब्रेक नहीं दबा सकते। आपकी दूरी अच्छी होगी तो आपको ब्रेक दबाने का टाइम मिल जाएगा और कोई एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। इससे आप चेतावनी चेत भी सकते हैं। इसलिए हमेशा दूरी थोड़ी बनाए रखें। दूरी बनाने से आपको फायदे भी होंगे। ये थी हमारी कुछ टिप जो आप कार चलाने जा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आपको इसे बहुत ही मदद रूप और हेल्पफुल मिलेगा। ध्यान रखना यह टिप के बारे में, तो आप आसानी से कुछ भी आपके साथ दुर्घटना या कुछ भी नहीं होगा और आप सेफली कार चलाना सीख जाएंगे या चलाते रहेंगे। तो आपको हमारी टिप या हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आप जहाँ भी रहें वहाँ सुखी रहे, और कुछ भी बातें हो तो प्लीज़ कमेंट में करना। मैंने कुछ गलत दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की हो तो प्लीज़।